बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने ही YouTube चैनल पेपर हैकर में। मैं सूरज राज और आज के इस वीडियो देखने वाले हैं जो आपका एक क्वेश्चन आता है पेपर जो सबको कंपलसरी होता है, चाहे वो छात्र BA का हो या फिर BSc का हो या फिर BCom का हो, उन सभी के लिए कंपलसरी सब्जेक्ट होता है, आप सभी लोग जानते होंगे। और आज मैं वही बताने वाला हूँ कि जो पेपर में वही छपेगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। बस वीडियो को लास्ट तक देख लो, तीन वीडियो पहले डाल चुका हूँ, पार्ट टू थ्री डाल चुका हूँ। अब बात करने वाले पार्ट फोर की, जिसमें यूनिट नंबर टू रह गई। अब इकाई दो को देख लो ध्यान से, बहुत सिंपल तरीके से बता दूंगा, ज़्यादा बड़े बड़े नहीं हैं, आप एक बार देख लोगे याद हो जाएगा, सब कुछ पढ़ के चले जाओगे। बहुत एक्सप्लेन करके बताया मैंने हर वीडियो को, आप बस पढ़ के चले जाना। और PDF को यदि डाउनलोड करना चाहते हैं तो PDF को अभी डाउनलोड कर लीजिए। PDF को डाउनलोड करने के लिए बहुत शॉर्ट में हमने दिए हैं। PDF में डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको पेपर हैकर डॉट इन पर जाना होगा। तो paperhacker.in पर जाने के बाद में इस तरीके से हमारी वेबसाइट खुल जाएगी। आप BA में हैं तो BA वाली क्लास को ओपन करिएगा, जैसे कि paperhacker.in सर्च किए, ठीक है, paperhacker.in सर्च करेंगे इस तरीके से खुलेगा। ध्यान से देखिए, इस तरीके से वेबसाइट खुलेगी। थोड़ा सा नीचे जाइए और नीचे जाने के बाद में यदि आप सेकंड सेमेस्टर में हैं तो देखो सेकंड सेमेस्टर के जितने भी नोट्स हैं वो यहाँ मिल जाएंगे, MCQ यहाँ से मिल जाएंगे। नीचे जाइए, यहाँ BA के स्टूडेंट सेकंड सेमेस्टर के तो BA वाले पर टच करिएगा, और BCom के स्टूडेंट है तो BCom वाले पर टच करिएगा। और बाकी आप DLED या BEd वगैरह कर रहे हैं तो यहाँ से बुक नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, डीफार्मा पीटेक टैग वगैरह के सब कुछ यहाँ डाउनलोड कर सकते हैं। और हिंदी रीजनिंग मैथ के क्लासेस जो हैं, बहुत बहुत नोट्स हैं, अच्छे नोट्स हैं उनको यहाँ से, और NCC की बुक यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, आर्मी की यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और जो मंथली करंट अफेयर है उसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, लेखपाल के लिए यहाँ से, UPSSC के लिए यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे पैट की एग्जाम होने वाला है, यहाँ से आपको सारे बुक्स PDF वगैरह मिल जाएंगी जो बड़े आसानी से आप देख सकते हैं। यहाँ से देखो ये सारे पैट्स आपको यहाँ से मिल जाते हैं बड़े आसानी से, तो आप ज़रूर PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा और अच्छे नंबर से पास होना है कि आपकी बार होगी, हर चीज पार, समझ सकते हैं। तो थोड़े संघर्ष के साथ में आपको काम करना होगा। अब हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन कैसे इकाई टू में पूछे जाएंगे। तो ये महत्वपूर्ण कुछ बिंदु हैं, जैसे कि तंत्र का तंत्र से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, जठरात्र जो होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, त्वचा और जलने से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, और कोई सांप फांप काट लेता है तो उससे रिलेटेड इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जहर निकालने की गैस वगैरह कुछ, उससे त्वचा वगैरह शोषण विशेषता होती है उनके लिए, और काटने और जो टंक मारने से संबंधित किस वाले कौन कौन सी देनी चाहिए, सांप ने आपको काट लिया, कीड़े ने काट लिया, ठीक है, जानवर ने किसी ने काट लिया, तो आप किस तरीके से कैसे बचाव करेंगे, अपना प्राथमिक बचाव, उसके बाद ही आप किसी हॉस्पिटल में लेके जाएंगे। तो ये चीज़ सभी को आनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में है संवेदनी अंगों पर संबंधित चिकित्सालय, मान लीजिए आपके संवेदित कुछ अंग है तो उसका प्राथमिक चिकित्सालय, जैसे कि आपका मान लीजिए अंग का फूल गया, कोई अंग क्या है फूल गया, आंख कान कुछ इसमें तो कुछ त्वचा पड़ गई, कुछ दिक्कत हो गई आंख में, तो हमें क्या पहले घर पे क्या करना चाहिए, उसके बाद डॉक्टर को दिखाना चाहिए, ठीक है, एकदम तो डॉक्टर को नहीं मिलेगा तुम्हें, तो उससे पहले आपको घर पे क्या करना चाहिए, वरना कोई कीड़ा घुस गया आपकी आंख में तो खराब कर देगा आंख, डॉक्टर के पास जाओगे, आपको यही सही करनी है, कैसे करनी है वो आपको बताऊंगा, पूरा प्रोसेस घर बैठे सब कुछ करने वाले हो। तो ये चीज़ यहाँ आप, और आपातकालीन शिशु जन्म, यदि मान लीजिए आपातकाल में कोई छोटे बच्चे का जन्म हो जाता है तो आप किस तरीके से उसका बचाव करेंगे, उसे कैसे अपनी सेवाएं देंगे, कैसे उसको रखेंगे, कैसा रख रखाव करेंगे, ये सब को जानना आपको बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो देखिए, तो चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए। आज हम बात करने वाले हैं भाई एसिड एंड कह सकते हैं फर्स्ट एड एंड हेल्थ के बारे में, जो आपका पेपर बनता है स्वास्थ्य संबंधित जो क्वेश्चन पेपर बनते हैं। अब यहाँ देखिए कितने क्वेश्चन MCQ आपको पूछे जाते हैं, 100 क्वेश्चन MCQ पूछे जाते हैं, जिसमें आपसे 33 क्वेश्चन यदि कर जाते हैं तो आप पास हो जाते हैं। तो मैं आपसे गारंटी देता हूँ 33 नहीं बाकी 85% मतलब टॉपर, आप टॉपर की लिस्ट में आने वाले हैं। तो चलो अभी सब्सक्राइब कर लेना बेटा। चलो अब देखो यहाँ एक क्वेश्चन बना है, पहला क्वेश्चन, आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे आंसर को पढ़ेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे आंसर, क्वेश्चन आंसर, और चारों ऑप्शन को पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं आपसे बोल रहा हूँ कुछ और मत पढ़ना, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ बस ध्यान से सुनना काम हो जाएगा आपका। और या फिर आप खुद पढ़ना चाह रहे हैं तो आपकी PDF को भी आप मेरी डाउनलोड करें, तो मैं यही आपको एक गाइड करना चाहूँगा कि पहले क्वेश्चन को पढ़िए, आंसर को पढ़िए, क्वेश्चन को पढ़िए, आंसर को, बाकी कुछ और मत पढ़िए। यहाँ बोला गया है एवरेजन चोट कहाँ पर होती है, तो आप हो गए त्वचा पर होती है, जब त्वचा पर जब कोई चोट लग जाती है तो उसे एवरेजन चोट बोला जाता है, एवरेजन चोट याद रखिएगा, जब त्वचा पर चोट लग जाती है। नेक्स्ट बोला है कि किसी व्यक्ति के जलने पर क्या आप प्राथमिक चिकित्सालय देनी चाहिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति जल जाता है तो उस पर कौन सी प्राथमिक चिकित्सालय देनी चाहिए, तो यहाँ कह रहे हैं जले हुए भाग पर। देखिए हम आंसर पढ़ेंगे कुछ और नहीं पढ़ना है, क्वेश्चन उत्तर तो क्या जले हुए भाग पर ठंडा पानी डाल दें, यदि कोई व्यक्ति जल जाता है तो उसे ठंडा पानी डालकर उसे आराम मिल सकता है।
यह कह रहा है यदि आँख में कुछ पड़ जाता है तो आपको क्या करना चाहिए। मान लीजिए आपकी आँख में कुछ पड़ जाता है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आँख को साफ़ पानी से धोएंगे, जो भी साफ़ पानी है आप उसको धोएंगे, उसके बाद कहाँ लेके जाएंगे, किसी डॉक्टर के पास लेके दिखाएंगे कि भैया ये देखिए। तो ये सबसे पहले आपको करना होगा। ये प्राथमिक चिकित्सालय से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। यहाँ कह रहा है चूषण किया जाता है, तो चूषण कहाँ किया जाता है, तो वो कहे सांप के काटने पर। यदि मान लीजिए आपके किसी सांप ने काट लिया तो आप चूसेंगे, उस सांप पर जहर निकाल लेंगे, तो चूषण किया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांप के काटने पर किया जाता है, तो सांप के काटने पर रक्त चूषण किया जाता है, रक्त को चूसा जाता है, ठीक है, जब सांप काट लेता है रक्त चूषण किया जाता है। ये सबसे पॉइंट विधि है। यदि आपको ऐसा कुछ होता है, कहीं भी किसी भी सांप काट लेता है, तो सबसे पहले आप ये प्रक्रिया करेंगे, ठीक है, रक्त को किसी न किसी की मशीन के थ्रू आप उसको चूसेंगे या फिर उसमें ब्लेड लगा के ब्लड बाहर निकालेंगे, ठीक है, ये काम करना बहुत ज़रूरी होता है। यह कह रहा है जिस व्यक्ति को बिजली का झटका लग जाता है तो उसे हम क्या करना चाहिए। मान लीजिए किसी व्यक्ति को बिजली का झटका लग गया तो वो क्या करना चाहिए, बताइए बताइए, उसको गर्माहट में रखना चाहिए। मतलब क्या होता है, जब इसकी किसी बिजली ने झटका मार दिया तो उसे उसे क्या हीट की आवश्यकता होती है, उसे गर्म की आवश्यकता होती है। जब उसको गर्मी दोगे तभी वो अच्छे तरीके से काम कर पाएगा, वरना वो मर जाएगा। समझ रहे हैं, आपने उसको ठंड में रख दिया, ठीक है, ठंडक में रख दिया या फिर उल्टा लिटा दिया, खड़ा कर रखना, ये सब आपको क्या करना होगा, आपको गर्माहट में रखना होगा, उसको गर्मी देनी होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, एक होता है यहाँ कह रहा है चोटिल स्थान पर ठंडे जल या फिर गर्म जल को बारी बारी से प्रयोग करने को कहते हैं। मान लीजिए कोई चोट का स्थान है, कोई चोट लग गई है, मान लीजिए आपके पैर में हाथ में चोट लग गई है, आपने पहले क्या किया, ठंडा पानी डाला उस पर, उसके बाद में क्या किया, गर्म पानी डाल दिया, फिर ठंडा पानी डाला, फिर गर्म पानी डाला, फिर ठंडा, मतलब बारी बारी की बात कर रहे हैं, तो ठंडा गर्म ठंडा गर्म, तो इसको हम क्या कहेंगे। यदि आप ऐसा कुछ करते हैं ना, ऐसा कुछ आप करते हैं ना, तो इसको क्या कहेंगे, इसे बोलते हैं कंट्रास्ट बात कहते हैं। मतलब कि आपने क्या किया, कंट्रास्ट बात बोलेंगे, धोया है लेकिन आपने क्या किया, एक कॉमन, ठीक है, कॉमन से धोया है, दोनों का कॉम्बो से धोया है, कंट्रास्ट बोलेंगे इसको, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, जल जाने पर आम क्या करते हैं, आप क्या करेंगे, यह बोला गया है जल जाने पर आप क्या करेंगे। तो सबसे आप करो उपरोक्त सभी काम करेंगे, ठीक है, देखो जल का प्रयोग करेंगे, मान लीजिए जल का प्रयोग और कपड़े उतार देंगे, यदि कोई व्यक्ति जल गया है तो उसको कपड़े उतार देंगे, जल का प्रयोग करेंगे और साथ ही साथ क्या करेंगे, कंबल से ढांक देंगे, कंबल से भी उसको ढांकेंगे, ठीक है, इसकी कि फलका ना पड़े, उसकी बॉडी पर फलका ना पड़े। नीचे बोला गया है कि बर्फ के जलने पर, सॉरी, सर्फ के काटने पर कटे हुए स्थान पर लगाते हैं। मान लीजिए कोई सांप काट लेता है तो उसके स्थान पर हमें क्या लगाना चाहिए, या फिर क्या लगाते हैं डॉक्टर, कोई भी मान लगा तो क्या लगाते हैं बताइए। तो वहाँ लगाते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, याद रखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पोटेशियम परमैंगनेट लगाते हैं जब कोई सांप काट लेता है उस जगह पर, ठीक है। नीचे बोला गया है, देखिए लाल मिर्च लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, सोडियम लगाने की ज़रूरत नहीं है, बोरनॉल लगाने की, तो पोटेशियम परमैंगनेट लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि बिजली का झटका लगने या फिर चिपक जाने पर आप व्यक्ति को क्या प्राथमिक उपचार देंगे। तो मैंने आपसे बोला है सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसको गर्म की, एक तो गर्म चीज़ें देंगे, जैसे कि यहाँ बोला गया है मेन लाइन बंद करके व्यक्ति को, ठीक है, लकड़ी के डंडे की सहायता से छुटाएंगे, ये क्लियर हो गया। और साथ ही साथ यहाँ कह रहा है उसे पानी पीने के लिए देंगे, उसे कंबल में लपेटेंगे, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमें ऊपर वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट लग रहा है कि इसको क्या करेंगे, पहले तो मेन लाइट, यदि कोई चिपक गया तो उसको मेन लाइट से हटाएंगे, बंद करवाएंगे, बंद करेंगे मेन लाइट को, उसके बाद में किसी लकड़ी की सहायता से उसको क्या करेंगे, वहाँ से हटवा देंगे, ठीक है, छुटवा देंगे। उसके बाद में क्या बोला गया है, यहाँ कह रहे हैं जले हुए स्थान पर जलन कम करने के लिए क्या लगाएंगे। मान लीजिए कोई व्यक्ति जल गया है और उसके जलन को कम करने के लिए नारियल का तेल लगाया जाता है, ये बहुत बढ़िया है। यदि कोई को व्यक्ति को बिजली पकड़ ले, जल जाए, एनीवे कुछ भी हो जाए, तो उसको त्वचा को सही करने के लिए आप नारियल का तेल और उसमें कपूर मिलाकर दोनों को एक साथ करके पट्टी बांध देते हैं ना, किसी भी पेशेंट को ऐसा कुछ होता है तो बहुत जल्दी रिकवर हो जाता है। जितने भी हॉस्पिटल होंगे उसमें किसी मेडिसिन का यूज, देखो मेडिसिन तो खवाई जाती है बट कुछ लिक्विड वगैरह नहीं लगाए जाते हैं, जैसे कि बेटाडीन वगैरह का यूज नहीं किया जाता है जले हुए स्थान पर, ठीक है। सिर्फ जो काम करता है वो गोले का तेल और उसमें कपूर डालकर करते हैं, तो दुगना फायदा वो वहाँ देखने को मिलता है। ऐसा कुछ करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा।
वही है कि सांप के जहर को फैलने से रोकने के लिए आप क्या उपचार उचित है, मतलब आपके लिए क्या उपचार उचित है वो आपको बताना। यदि सांप ने काट लिया है, उस जहर को फैलने से रोकने के लिए क्या उपचार उचित है, आप क्या करेंगे? तो आप कहोगे घाव के ऊपर कसकर पट्टी बांधना, ये एक बहुत बड़ा उपचार होगा। मान लीजिए आपको यहाँ पैर है, ये आपका हाथ है, कुछ भी है, यहाँ आपको सांप सांप ने काट लिया, तो आप ऊपर की ओर क्या करेंगे, पट्टी बांध देंगे बहुत मोटी करके, कि इसका ब्लड है वो ऊपर को ना जाए, नीचे का रहे। और यहाँ आप थोड़ा कट भी लगा सकते हैं, जिससे ब्लड क्या है बाहर को निकल जाए, जहर है वो बाहर को निकल जाए। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, व्यक्ति किससे जल जाता है? तो व्यक्ति किससे जलेगा, बिजली के झटके से, गर्म चाय से, या फिर जलता हुआ कोयला गिरने से? उपरोक्त सभी से जल जाता है, तो उपरोक्त सभी को हम लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति सबसे ज्यादा किससे जल जाता है? तो वो भाप से सबसे ज्यादा जलता है, भाप से। ठीक है, कोलतार से भी नहीं जलेगा, सबसे ज्यादा भाप से जलता है, क्योंकि भाप की स्पीड बहुत ज्यादा तेज होती है, वो चीज है। तो सांप के काटने पर किया जाता है, यदि कोई सांप काट लेता है तो आपको पता होगा रक्त चूसा, सबसे पहले तो आपको रक्त को चूसना चाहिए, मतलब किसी तरीके से निकलना चाहिए। उसके बाद में घाव के स्थान पर कसकर पट्टी बांधनी चाहिए, ऊपर को, घाव से ऊपर, ठीक है, घाव के स्थान से ऊपर कसकर पट्टी बांधना चाहिए, और एंटीसेप्टिक घोल से सफाई करनी चाहिए, जो एंटीसेप्टिक होते हैं उनकी यूज करके उस जगह को शार्प करनी चाहिए जिससे वहाँ सांप ने काटा है। ठीक है, एंटीसेप्टिक ले सकते हैं, एंटीसेप्टिक जो होता है जैसे कि हल्दी हो गया, बहुत चीज़ें होती है ना, और आप मेडिसिन का यूज करते हैं तो देसी दवाई करोगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो इसलिए आप दवाई का इस्तेमाल करिए। यहाँ बोला गया है किसी जहरीले पदार्थ को खा लेने पर प्राथमिक उपचार देना चाहिए। मान लीजिए किसी फैमिली मेंबर या कोई और अड़ोसी पड़ोसी ने कोई जहर खा लिया है, तो उसको सबसे पहले आप क्या करेंगे, तो नमक का पानी देंगे उसको। क्या करेंगे बेटा, नमक का पानी पिलाएंगे सबसे पहले तो उसको। ठीक है, यदि किसी ने जहर पहर ले लिया है तो उसको नमक का पानी पिलाना चाहिए। ठीक है, जिससे वो क्या करेगा, उल्टी कर देगा। ठीक है, और जहर का असर क्या होगा, कम हो जाएगा। भाई देखिए 17 बोला, किसी अगर आप व्यक्ति किससे झुलस जाता है, तो याद रखिए भाप से झुलस जाता है, कोयले की आंच से झुलक जाता है, और साथ ही साथ जलता हुआ कोलतार से झुलक जाता है। तो ये बिल्कुल राइट है, झुलस जाने की बात कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांप के काटने पर प्राथमिक उपचार देना चाहिए। तो प्राथमिक, जब सांप कोई काट लेता है, तो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि यह कह रहा है जख्म को रगड़े बिना, उसको जख्म को रगड़ना नहीं है, ठीक है, रगड़े बिना धोकर पोंछना चाहिए, मरीज को शांत रखने की चेष्टा देनी चाहिए कि आप शांत रहिए, यदि आप वो घबराएंगे तो ब्लड प्रेशर तेज होगा, और ब्लड प्रेशर तेज होगा तो पूरे बॉडी में उसका जहर बहुत जल्दी फैल जाएगा। वही बात की जाए, और काटे हुए स्थान पर चीरा लगाकर रक्त निकालना, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। जहां पर सांप ने काटा है उस स्थान को तो पहले साफ करिएगा, और तुरंत चीरा लगा दीजिएगा, ऊपर को थोड़ा सा बांध दीजिएगा, बांध दो तीन लगा दीजिएगा पास 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 पास, जिससे ब्लड पार ना पाए और ब्लड जो भी हो वो यहाँ से बाहर निकल जाए, जिससे जहर का असर कम हो जाएगा और जो पेशेंट होगा वो बहुत जल्दी हेल्दी हो जाएगा। उसके बाद उसको हॉस्पिटल में भर्ती करा दीजिएगा, इतना आपको काम घर करना है। यहाँ कह रहा है सर्प दंश का प्राथमिक उपचार होता है, यदि सांप कोई काट लेता है तो उसका प्राथमिक उपचार कटे हुए स्थान पर कसकर बांध करना चाहिए, मरीज को सोने नहीं देना चाहिए। मरीज को क्या करना है भैया, उसको सोने नहीं देना है, और कटे हुए स्थान पर ब्लड से, ठीक है, चौकोर काट देना चाहिए। चौकोर काटेंगे इस तरीके से, यहाँ ब्लड आपने काटा है तो यहाँ इसके आसपास का पूरा काट दीजिए, और सबसे खून देखो जिससे खून बाहर निकल सके, ऐसे काटना है जैसे क्या है खून बाहर निकल सके। नेक्स्ट यहाँ बोला गया है, बिजली का प्रघात पर किया जाता है, यदि किसी बिजली ने आपको घात किया है, प्रघात किया है मतलब आपको पकड़ लिया है, तो आप क्या करेंगे, विद्युत प्रवाह को अलग करना चाहिए, मतलब पकड़ लिया तो उसको क्या है, विद्युत प्रवाह को अलग करना चाहिए, मतलब विद्युत से अलग निकालना चाहिए। इसे बोल रहा है कि जलने, यहाँ कह रहा है जलने पर या द्रव दाह पर तुरंत किया जाता है, तो ठंडे पानी का प्रयोग, मतलब कोई जल जाता है तो उसे ठंडे पानी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अनिच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण किया जाता है। जो अनिच्छिक क्रियाएं जो होती हैं उनको नियंत्रण कौन करता है? तो आपको पता होगा मेडुला एलोंगेटा हमारी अनिच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। ऑप्शन नंबर हम सी को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का संतुलन मस्तिष्क के किस भाग पर किया जाता है या किस भाग द्वारा नियंत्रण किया जाता है? तो हमारे शरीर का जो संतुलन होता है वो हमारा प्रेमस्तक कार्य करता है, ये सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क से निकलने वाले कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती हैं जो मस्तिष्क से निकलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क के भाग होते हैं, मस्तिष्क के तीन भाग होते हैं, अग्र, मध्य और प्रमस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बोला गया है कि तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई क्या है? तो तंत्रिका तंत्र की जो मूल इकाई होती है वो टिश्यू होती है, मतलब कि ऊतक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीढ़ की हड्डी का भाग होता है, तो रीढ़ की हड्डी तंत्रिका तंत्र द्वारा बनी होती है, तो रीढ़ की हड्डी का भाग तंत्रिका तंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के ताप को नियंत्रण करता है, तो मानव शरीर के जो नियंत्रण करता है वो करता है, ताप की बात करने वाला है, वो हाइपोथैलेमस थैलेमस करता है। तो ऑप्शन नंबर हम सी को लॉक करेंगे। मनुष्य के शरीर को ताप का मतलब 37 डिग्री जो सेल्सियस रखने का काम करता है वो कौन करता है? हाइपोथैलेमस। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद करके रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ती क्रियाएँ होती हैं, तो प्रतिवर्ती क्रियाएँ अनिच्छिक क्रियाएँ होती हैं। अब जो क्रियाएँ जो अचानक होती हैं उन्हें हम अनिच्छिक क्रियाएँ कहते हैं। जो क्रियाएँ जो अचानक होती हैं वो अनिच्छिक क्रियाएँ कहते हैं, जैसे कि हमारी पलक का अचानक लग जा झपकना या फिर छींक आते ही, ठीक है, हमारी कुछ समय के लिए सांसों का रुक जाना, ये हमारी अनिच्छिक क्रिया के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य वयस्क के लिए नाड़ी गति कितनी हो जाए, मतलब कि आपकी जो ब्लड प्रेशर होता है वो कितना होता है? तो आपको वो 70 से 72, ठीक है, बार जो धड़कता है, नाड़ी गति की बात की जा रही है, नाड़ी गति जो होती है मतलब हमारा जो धड़कता है, ठीक है, जो दिल धड़कता है वो कितनी, हार्ट बीट कितनी होती है, तो आप कहेंगे वो होता है 70 से 72। तो मेरु तंत्रिका की बात करें तो मेरु तंत्रिकाएँ होती हैं, तो 31 जोड़ी मेरु तंत्रिकाएँ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर के संतुलन का कार्य होता है, तो वो होता है मध्य मस्तिष्क। हमारे शरीर का जो संतुलन बनाए रखता है वो मध्य मस्तिष्क बनाए रखता है, ठीक है। उसके बाद में बोला गया है कि शरीर मनुष्य के शरीर में कितने प्रकार की तंत्रिकाएं होती हैं, तो 2 प्रकार की तंत्रिकाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है, तो वो होती है नेफ्रॉन। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका नेफ्रॉन होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र में जोड़ों को क्या कहा जाता है, तो उसे बोलते हैं संयुग्मन। संयुग्मन बोला जाता है तंत्रिका तंत्र में जोड़ों को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, मानव मस्तिष्क का सबसे बृहद भाग कौन सा होता है, तो वो होता है मानव मस्तिष्क का सबसे बृहद भाग सेरेब्रम होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, सबसे वृहद भाग की बात की गई है तो सेरेब्रम बहुत अच्छा होता है, इसको आप याद रखिए, सेरेब्रम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो वृहद भाग होता है, वृहद का मतलब सबसे बड़ा भाग, ठीक है, सेरेब्रम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्या होता है, वो न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस क्या होता है, केंद्र का जो कोशिका होती है उसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, वही उसका केंद्रक भाग होता है या नियंत्रण केंद्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल सकते हैं कि जो अमाशय होता है, जो स्टोमस द्वारा कौन सा एंजाइम स्रावित होता है, तो स्टोमच में हमारे रेनिन एंजाइम भी स्रावित होता है, जो क्या होता है, हमारे ब्लड को हमारी बॉडी में नहीं जमने देता। साथ ही साथ पेप्सिन भी होता है और हमारा हाइड्रोक्लोराइड होता है जिसे हम HCl बोलते हैं, और जितने भी बैक्टीरिया आते हैं वो उनको मारने का काम हाइड्रोक्लोराइड अम्ल करता है, HCl करता है। तो उपयुक्त सभी होंगे, ठीक है, पेप्सिन, रेनिन और हाइड्रोक्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि छोटी आंत का मुख्य अंग कौन सा होता है, तो मुख्य जो अंग होता है वो होता है ग्रहणी। ग्रहणी को हम ड्यूडिनम बोलते हैं, ये हमारी छोटी आंत का सबसे मुख्य भाग होता है ड्यूडिनम, जिसे हम ग्रहणी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पितरस का क्या कार्य होता है, तो पितरस का जो कार्य होता है वो होता है पाचन में सहायक होता है, मतलब कि पाचन में सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा यकृत क्या बनाता है, हमारा जो लीवर है वो क्या चीज़ बनाता है, तो आप कहोगे वो बनाता है बाइल जूस, ठीक है। तो बाइल जूस का निर्माण हमारा यकृत करता है। ऑप्शन नंबर क्या रहेगा,
भी रहेगा। बाइल जूस हम पाचन भी कह सकते हैं, पाचन रस भी कह सकते हैं इसको, बाइल जूस को पाचन रस बोलते हैं। जो बाइल पाचन जूस पाचन रस किसे बना किसके द्वारा बनता है, तो आप कहोगे यकृत के द्वारा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि ड्यूडेनम और जिजुलम और इलियम किसके अंग हैं, तो ये तीनों जो अंग आप देख रहे हैं ये छोटी आंत के अंग होते हैं। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे, ड्यूडेनम जेजुलम और इलियम, ये तीनों क्या होते हैं, छोटी आंत के भाग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीभ में कौन सा या कौन सी स्वाद ग्रंथि पाई जाती है, तो आप कहोगे जो जीभ में जो स्वाद ग्रंथि पाई जाती है वो पेपिला पाई जाती है। पेपिला पेपिला जो ग्रंथि होती है वो स्वाद को बताती है कि ये खट्टा है या मीठा है या क्या है, जो हमारे जीभ के अंदर पाई जाती है उसे हम पेपिला ग्रंथि बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग पाचन संस्थापन संस्थान में संबंधित है, मतलब ये पाचन में कौन संबंध होता है, तो ये आँच जो होती है वो पाचन करने में बहुत सहायक होती है, ठीक है, या संस्थान कह सकते हैं। और यहाँ बोला गया है मुंह में जीहा का कार्य क्या होता है, मुंह में जो जीभ का कार्य होता है वो क्या होता है, मुंह में जीहा का कार्य क्या होता है, बोलना, चबाना, मतलब किसी चीज को चबाने में सहायता करना, और गिलगिलाना, ये हमारी जीभ का कार्य होता है, या फिर निगलना भी यही कार्य होगा, गिलगिलाएगा या फिर चबाना उसके अंतर्गत ही आएगा, और या फिर हम कह सकते हैं निगलना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि पित्तरस का प्रमुख कार्य क्या होता है, पाचन के लिए वसाओं का इमलाइजन करना, इमल्सीकरण जो करना होता है, मतलब कि वसा का पाचन पित्तरस के द्वारा होता है, इस तरीके से कह सकते हैं। तो पाचन के लिए वसा का इमल्सीकरण करना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पाचन रस के पित्तरस के थ्रू ही होता है, ठीक है, पित्तरस का मुख्य कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है प्रोटीन के पाचन के लिए आवश्यक है, तो प्रोटीन के पाचन के लिए ये तीनों जो हार्मोन्स तीनों एंजाइम देख रहे हैं ये क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं प्रोटीन के पाचन के लिए। एक होता है पेप्टाइज, ठीक है, और प्रोटीओसिस और प्रोटीओलाइटिक, ये जो एंजाइम देख रहे हैं ये तीनों एंजाइम प्रोटीन के पाचन के लिए में सहायक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या होगा यदि किसी व्यक्ति का पित्ताशय हटा दिया जाए, मान लीजिए जो पित्तरस है उसको यदि हटा दिया जाए, मतलब बहुत सारे लोगों का पित्त में पतली हो जाती है, उस वक्त पित्त को बाहर निकाल दिया जाता है काट के, ठीक है, अंदर से, तो उसको क्या प्रॉब्लम होगी, हटा दिया जाता है तो क्या होगा, तो आपको पता होगा उसमें बसा का इमर्सीकरण नहीं होगा, मतलब कि बसा का पाचन नहीं होगा, बसा का पाचन असंभव होगा, मतलब कि बसा का पाचन होगा ही नहीं, ना ही इमर्सीकरण होगा बसा का, और ग्रहणी में जो काइलम की अम्लता बनी रहेगी, तो जो जो काइलम होता है ग्रहणी, मतलब छोटी आंत में अंदर क्या होता है, काइलम की अम्लता बनी रहेगी, ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेंगे यदि हमारा पित्ताशय को हटा दिया जाए, ठीक है, तो बसा का तो पाचन होगा ही नहीं, बसा का पाचन कौन करता है, पित्ताशय करता है, पित्तरस कहता है, तो पित्ताशय में ही निकलता है पित्तरस, ठीक है, और वो बनाने का काम कौन करता है, लीवर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमाशय में हाइड्रोक्लोराइड अम्ल HCl का कार्य क्या होता है, जब अमाशय में HCl जो होता है उसका कार्य क्या होता है, तो आपको के भोजन में उपस्थित सूक्ष्म जीवों को नष्ट करना, जो हमने खाना खाया है उसमें जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उनको ख़त्म करना HCl का मुख्य कार्य होता है, जो हमारे स्टोमच में इस तरीके से, ये स्टोमच होता है इस तरीके का, ये बड़ी छोटी आंत बड़ी आंत होती है, तो इसमें ये काम करता है। नीचे यहाँ बोला गया है 50वां क्वेश्चन देखिए, याकृत कोशिका किसका श्रवण करती है, तो याकृत कोशिका पित्तरस का श्रवण करती है। याकृत कोशिकाएं जो लीवर की कोशिकाएं है होती हैं, लीवर होता है वो पित्तरस का, और एंजाइम पित्तरस एंजाइम का श्रवण करती है। अमाशय का पीएच मान कितना होता है, स्टोमच का पीएच मान 3 होता है, इस बात को भी हम लोग एक बार फोकस में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पकवाशय में मिलता है, तो पकवाशय में पित्तरस मिलता है, अग्नाशय रस दोनों मिलते हैं, ठीक है, ये दोनों रस मिलते हैं। और नीचे यहाँ बोला गया है कि लार ग्रंथि उपस्थित रहती है, तो लार ग्रंथि कहाँ उपस्थित रहती है, तो आप हो गए टाइलिन, टाइलिन एंजाइम क्या है, लार में कौन सा एंजाइम होता है, इस तरीके से पूछेगा, या फिर लार ग्रंथि, ठीक है, उत्पादित किसकी करती हैं, या फिर लार से क्या उत्पन्न होता है, इस तरीके से आप कह सकते हैं, तो आप कहोगे टाइलिन एंजाइम उपस्थित होता है, ठीक है।
और यही निकलता है या फिर एंजाइम पाया जाता है टाइलिन एंजाइम, ठीक है, लार में। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, एक बार फोकस करेंगे सभी लोग और एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। यह बोला गया है अमाशय में भोजन, देखो अमाशय में भोजन में उपस्थित बैक्टीरिया को नष्ट करता है तो हाइड्रोक्लोराइड अम्ल करता है जिसे हम HCl कहते हैं, जो स्टोमच में पाया जाता है या फिर उसका निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ बोला गया है मानव शरीर में रेनिन भी होता है HCl भी होता है, ठीक है, और पेप्सिन भी होता है। यहाँ देखिए मानव शरीर के किस अंग में सबसे अधिक रासायनिक क्रिया होती है तो वो होती है यकृत में। सबसे ज़्यादा रासायनिक जो क्रियाएं होती हैं मानव की बॉडी में वो सबसे ज़्यादा यकृत में होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा यकृत का कार्य है? लीवर का कार्य क्या होता है? यूरिया का संश्लेषण करना भी यकृत का मुख्य कार्य होता है और पित्तरस का निर्माण करना भी होता है। तो यूरिया का संश्लेषण कौन करता है? यकृत करता है, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ बोला गया है जो है ट्रिप्सिन का श्रावण या श्रावण कौन सी ग्रंथि करती है? तो वो अग्न्याशय करती है। ट्रिप्सिन कहाँ पाया जाता है? अग्न्याशय में। अग्न्याशय ये क्या है? अग्न्याशय, ठीक है, अग्न्याशय में ट्रिप्सिन का श्रावण होता है और इसमें हमारी कुछ बीटा कोशिकाएं वगैरह होती हैं, ठीक है, अग्न्याशरस जिसे बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे छोटी आंत जो होती है, छोटी आंत का मुख्य कार्य क्या होता है? तो यहाँ बोला गया है पोषण तत्वों की अवशोषण करना। छोटी आंत का जो मुख्य कार्य होता है, जो पोषण तत्व है उनका अवशोषण करना छोटी आंत का काम होता है और बड़ी आंत का जल का अवशोषण करना बड़ी आंत का कार्य होता है, ठीक है। नीचे बोला गया है 59 में देखिए, अमाशय में पेशियाँ संकुचन कहलाती हैं तो वो कहलाती हैं गति के लिए, मतलब कि क्रमांकुचन गति जो होती है वो हमारी पेशियों में होती है, वो अग्न्याशय के अंतर्गत होती है। नीचे बोला गया है कि जो ट्रिप्सिन होता है वो एक एंजाइम है, ठीक है, ट्रिप्सिन एक एंजाइम है और यह है माल्टोज पाया जाता है वो लार में पाया जाता है, माल्टोज पाया जाता है वो लार में, ट्रिप्सिन और माल्टोज वो लार में पाए जाते हैं। यह है एनिमल परत पाई जाती है, दांतों के ऊपर जो होता है वो एनिमल परत पाई जाती है, एनिमल, ठीक है, जो इनेमिल बोल सकते हैं, इनेमिल जो परत होती है वो दांत के ऊपर पाई जाती है। शरीर में सबसे कठोर पदार्थ होता है वो इनेमिल होता है, जो दांतों पर होता है या फिर दांत बने होते हैं, इस तरीके से कह सकते हैं। जबड़ा सबसे मजबूत, यहाँ देखिए दांत के मजबूत और चमकदार परत कहलाती है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है इनेमिल, ठीक है। नीचे बोला गया है इनेमिल, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जठर रस का निर्माण कहाँ होता है? तो जठर रस का अग्न्याशय में होता है, सॉरी अमाशय में होता है, स्टोमच में होता है, स्टोमच में, ठीक है। जठर रस का निर्माण कहाँ होता है? अमाशय में होता है। लार ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? मुख में लार ग्रंथि पाई जाती है, वो भी तीन जोड़ी पाई जाती हैं। नीचे बोला गया है कि मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि है तो वो यकृत ग्रंथि होती है, जो मनुष्य के सबसे शरीर में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। नीचे बोला गया है पाचन की रासायनिक क्रियाओं को तीव्र करना का कार्य कहलाता है, मतलब कि जो सबसे ज़्यादा तीव्र कर देता है रासायनिक क्रियाओं को पाचन रस की, वो रेनिन का काम होता है, रेनिन एंजाइम होता है, वो रासायनिक क्रियाओं को तेज कर देता है। नीचे क्वेश्चन है स्वाद कलिकाएँ पाई जाती हैं वो जीभ में पाई जाती हैं, जो स्वाद का बताती हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, पेपिला के नाम से जाना जाता है। पेपिला एक ग्रंथि होती है जो स्वाद के बारे में बताती है। कर्णपूल ग्रंथि पाई जाती है मुंह में, कर्णमूल जो ग्रंथि पाई जाती है मुंह में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव के उन दांतों की संख्या कितनी होती है जो जीवन में दो बार निकलते हैं? तो बेटा वो 20 दांत ऐसे होते हैं जो दूध के दांत कहलाते हैं, जो कुछ बाद दिन बाद निकलने लगते हैं, पहले निकलेंगे उसके बाद निकल जाएंगे फिर दोबारा से जमाते हैं, वो 20 दांत ऐसे होते हैं जो दोबारा से जमते हैं। यहाँ कह रहा है पित्तरस का निर्माण होता है तो पित्तरस का यकृत द्वारा होता है। यहाँ बोला गया है मनुष्य के मुख में कितनी लार ग्रंथियाँ होती हैं? तो मैंने आपका तीन जोड़ी होती हैं, मतलब कि 6 होती हैं। और यहाँ देखिए छोटी आंत की लंबाई लगभग कितनी होती है? तो 6 मीटर होती है, मतलब कि 22 फीट लंबी होती है, ठीक है। और बड़ी आंत की हम बात बताएंगे, भाई 1.5 मीटर लगभग में होती है। यहाँ देखिए यहाँ कह रहा है जठर रस में पाया जाता है, तो जठर रस में जो पाया जाता है वो उपरोक्त सभी रेनिन, क्योंकि जठर रस जो स्रावित होता है वो स्टोमच में होता है, रेनिन, पेप्सिन और हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन तंत्र का कार्य होता है, पाचन तंत्र का कार्य होता है निगलना, पाचन करना, अवशोषण करना और मल त्याग करना, उपरोक्त सभी पाचन तंत्र का अंतर्गत आता है या फिर कार्य होता है। यह कह रहा है जिस भोजन का या भोजन को अमाशय पचा नहीं पाता उसे कहते हैं। यदि जिस भोजन को स्टोमच ने नहीं पचा पाया है और वो ऐसे ही कि अच्छे कचरा की तरह निकाल दिया है जैसे हमने खाया था, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसे हम काइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काइम। ऐसे भोजन को हम काइम बोलते हैं जिसका पाचन नहीं होता है। नीचे यहाँ बोला गया है, देखिए यहाँ कह रहा है बच्चों में पूर्ण स्थायी दांत निकल कितने आयु में निकलते हैं, तो आप बोलोगे 16 वर्ष की आयु में स्थायी दांत निकलने लगते हैं जिसे हम जवानी के दांत कहते हैं। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, यकृत की लंबाई होती है, आप कह सकते हैं जो स्टोमच की जो लंबाई होती है वो स्टोमच की जो लंबाई होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है, और अग्न्याशय की जो पेंक्रियास की 15 सेंटीमीटर होती है। इस बात को याद रखिएगा, 15 और 25, स्टोमच की 25 होती है, ठीक है। निगलना कार्य करता है, जीव इसका निगलने का काम करता है। और यहाँ बोला गया है अमोनिया को यूरिया में बदलता है, यकृत अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। अग्न्याशय, ये अग्न्याशीय रस होता है, कैसा होता है? क्षारीय होता है। अग्न्याशय का जो रस निकलता है वो क्षारीय होता है, जिसमें आपको क्षारीय का मतलब है थोड़ा कसीला टाइप का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन निकलते समय भोजन को श्वास नली में जाने से रोकने वाली रचना कहलाती है। मान लीजिए आप भोजन, आप सांस लेते हैं वो फेफड़ों में जाती है, खाना खाते हैं वो स्टोमच में जाता है, पेट में जाता है, ठीक है, ठीक है ना। अब यही कह रहा है कि जब भोजन हम खा रहे हैं उसमें भोजन को और सांस नली को अलग करने वाली जो संरचना कहलाती है वो क्या कह रहा है? कंठच्छद कहलाता है। क्या है? कंठच्छद कहलाता है। कंठच्छद बोलते हैं, कंठच्छद बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बोला गया है, बड़ी आंत की लंबाई कम 1.5 मीटर होती है, मैंने बताया था 6.5 मीटर, छोटी आंत की 1.5 मीटर, बड़ी आंत की लंबाई होती है। आंत की कुल लंबाई लगभग कितनी होती है? तो 8 मीटर होती है। कैसे? तो आपको 6.5 मीटर छोटी और 1.5 मीटर बड़ी, टोटल मिलाकर ये 7 और 1 8, 8 मीटर हो गया, ठीक है, इस तरीके से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, पाचन नली की लंबाई कितनी होती है? टोटन की बात करें, स्टोमच सहित, आपको पूरा स्टोमच सहित बड़ी आंत, छोटी आंत और ग्रसन, ये टोटल आपकी 10 मीटर होती है, क्योंकि स्टोमच आपका होता है 25 सेंटीमीटर का, ठीक है, 25 सेंटीमीटर का आपका स्टोमच होता है, जिसमें 30 सेंटीमीटर का एक फिट कहलाता है, ठीक है, 30 फिट, एक फिट, एक फिट में 30 सेंटीमीटर होते हैं, तो 25 सेंटीमीटर एक फिट से कुछ कम होता है, और बाकी हमारी ग्रसनी और जो हमारा लीवर से होते हुए जाता है वो चीज़ें, ठीक है। उसके बाद में हमसे पूछा गया पाचन प्रक्रिया चरण संपन्न होता है, तो 4 चरणों में संपन्न होता है। आपको कहोगे पहले स्टोमच में, उसके बाद में कहाँ होता है? स्टोमच द्वारा लीवर में, फिर छोटी आंत में, फिर बड़ी आंत में और फिर निकल जाता है, तो 4 स्टेप में पूरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, यहाँ देखिए वसा को पचाने का कार्य करता है, पितरस वसा को पचाने का कार्य करता है, ऊपर बता चुका हूँ। 89 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पाचन तंत्र का भाग है? तो उपरोक्त सभी मुख, यकृत और स्टोमच, इसे अमाशय बोलते हैं, 3 पाचन तंत्र। यहाँ कह रहा है मानवीय पाचन या फिर मानव का जो पाचन तंत्र होता है उसमें एपिडिक्स का क्या उपयोग है? तो आपको के पाचन क्रिया को कई या कोई योगदान नहीं होता है, या पाचन क्रिया में इसका कोई योगदान नहीं होता है, एपिडिक्सन का, ठीक है, कोई योगदान नहीं होता है। उसके बाद में है स्वाद इंद्रिया स्थित होती है मुंह में, मतलब जहाँ स्वाद इंद्रिया होती है, जिसे हम पपीला बोलते हैं, ये एक क्या होती है, पपीला एक ग्रंथि होती है जो हमारे स्वाद के बारे में बताती है कि आज हमने क्या खाया है, खट्टा खाया है, मीठा खाया है, कैसा खाया है। उसके बाद में यहाँ बोला गया है अग्न्याशीय रस में नहीं होता है, तो टाइलिन एंजाइम नहीं होता है, बाकी ट्रप्सिन, स्टोपेस और लैंगरहांस की दोपिकाएँ, इमाइको इमाइलो पिंस, ये तीनों एंजाइम होते हैं, लेकिन टाइलिन एंजाइम लार में पाया जाता है। यहाँ बोला गया है कौन सा अंग पाचन में सहायक नहीं है, तो कौन सा अंग है जो पाचन में सहायक नहीं है? वो है फेफड़ा। फेफड़ा पाचन में सहायक नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूख, भूख अंतर्नो संबंधित है, वो है हाइपोथैलेमस से, हाइपोथैलेमस से संबंधित होती है,
मतलब कि हाइपोथैलेमस का मतलब होता है नियंत्रण करना, नियंत्रण करना, भूख को नॉन नियंत्रण करता है, वो चीजें हैं। यहाँ कह रहे यकृत का कार, यकृत का क्या कार है, तो आपको कहे पितरस का निर्माण करना, ठीक है, जो बसा में सहायक होता है। क्या होता है? जो बसा में सहायक होता है। उसके बाद में है पाचन तंत्र की, पाचन तंत्र की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत कहलाती है, जो सबसे ज्यादा भूमिका निभाती है। मुंह का पाचन प्रारंभ होता है, मुंह से ही प्रारंभ हो जाता है भोजन, भोजन का पाचन मुंह से ही प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख गुहा और नासा गुहा को कौन सा, कौन अलग करता है? तो जो मुख गुहा होता है और नासा गुहा होता है, मतलब कि जो सांस लेने की जो नली होती है और जो मुंह की नली होती है, उसको कौन अलग करता है? तो मज्जुकीय परत अलग करती है, जैसे हम मज्जुए परतें बोलते हैं, इसको याद रखिएगा। इंसुलिन कहाँ पाया जाता है? पेंक्रियास अग्न्याशय में पाया जाता है। और देखो कंठ का कार क्या होता है, एपिग्लोटिस बोलते हैं इसको, कंठक्ष का, जिसको क्या होता है, भोजन को सांस नली में जाने से रोकना, ठीक है, कंठच का कार्य होता है, भोजन को सांस नली में जाने से रोकना, ठीक है, एपिगोटिट्स जो होता है उसका कार्य होता है। यहां बोला गया है दांत का भाग होते हैं, दांत के कितने भाग होते हैं, तो आपको उपरोक्त सभी भाग होते हैं, जड़, दांत का जड़ भी होता है, गिरवा भी होता है, और साथ ही साथ शिखर भी होता है। शिखर मतलब ऊपर वाला भाग, गिरवा बीच वाला, जड़ मतलब जहां से वो निकला है। और HCL का स्रावण होता है अग्न्याशय से, आप जानते हैं स्टोमस में होता है। और स्टार्च का पाचन मुंह में हो जाता है, स्टार्च का पाचन कहाँ होता है? मुंह में, या मुंह से ही हो जाता है। उसके बाद में है पेंक्रियास का ग्रंथि में स्रावित होता है इंसुलिन, इंसुलिन में ही लैंगरहांस की तोपिकाएं पाई जाती हैं, अल्फा बीटा वही पाया जाता है। और यहाँ बोला गया है जठर रस में उपस्थित मुख्य एंजाइम होते हैं, जठर रस में पेप्सिन, रेनिन और HCL, ये जठर रस में होते हैं जो स्टोमच के अंदर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलुलोज का पाचन नहीं होता है, मनुष्य में सेलुलोज का पाचन नहीं होता है, ये खरगोश में पाया जाता है, ठीक है, लेकिन मनुष्य में सेलुलोज का पाचन नहीं होता है, गाय बकरी इनमें पाया जाता है सेलुलोज का पाचन, जो मिंगनी टाइप की छोटी छोटी मिंगनी की टाइप की जो पोटी करती है, तो वो ऐसा मनुष्य नहीं करता है, ठीक है ना, तो वो चीज़ है। सेलुलोज का पाचन कहाँ पाया जाता है? खरगोश के अंदर, बकरी के अंदर, ठीक है, गाय के अंदर पाया जाता है, लेकिन छोटे छोटे टुकड़ों में उनका जो मल होता है वो होता है, और मनुष्य का मल ऐसा नहीं होता है, ठीक है, वो चीजें होते हैं। तो यहां देखिए, यहां कह रहा है टाइलिन स्रावित होता है, तो लार से टाइलिन स्रावित होता है, क्योंकि लार में टाइलिन एंजाइम होता है। यहां कह रहा है कि मुंह में किस प्रकार के आहार का पाचन होता है, तो मुंह में उपरोक्त निम्न में से कोई नहीं, तो निम्न से कोई नहीं होता है, मुंह में किस प्रकार का आहार का पाचन होता है, तो आपको निम्न से कोई स्टार्च का भी नहीं होता, स्टार्च का, लिप प्रोटीन का, इनमें से कोई नहीं का, ठीक है। उसके बाद में बोला गया है कि किस आशय में मनुष्य के मुंह में कितने दांत होते हैं, तो दांत की जब बात करेंगे तो 32 दांत पाए जाते हैं, सभी को पता होगा। और आमाशय द्वारा स्रावित जो किसका श्रवण करता है, HCL का श्रवण सभी को पता है, मैं बता चुका हूँ ऊपर, ठीक है, ये सब तो फास्टली पढ़ने की चीज़ें हैं। मंड को पाचन करने का एंजाइम क्या है, उपरोक्त सभी है, ठीक है, लाइपेज भी होता है, ट्रिप्सिन भी होता है, ठीक है, और एमाइलेज भी होता है मंड को स्टार्च में बदलने का। नीचे बोला क्या है कि जो कलिकाएं होती हैं कितने प्रकार की होती हैं, या स्वाद का जो अंकुर होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। उसके बाद में बोला गया है कि भोजन को के अम्लीय बनाने का कार्य कौन करता है, तो अम्लीय बनाने का काम, मतलब कि अम्लीय कौन बनाता है भोजन को, HCL बनाता है, ठीक है, जो स्टोमच के अंदर मिलता है। यहाँ बोला गया है शरीर के किस भाग में भोजन का पाचन होता है, तो छोटी आंत में भोजन का पाचन होता है, ठीक है। बस यही इस वीडियो को एंड करते हैं, बाकी 15वें वाला जो है वो पार्ट 5 में बात करेंगे, जो पार्ट 5 होगा वीडियो का उसमें डिस्कस करेंगे। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। थैंक यू, लव यू, बाय बाय।